घाटी के हालात पर स्टडी के लिए बीजेपी नेता राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। दरअसल बीजेपी जम्मू कश्मीर के हालात की स्टडी कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने एक स्टडी ग्रुप बनाया है। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनकी स्टडी करने के लिए और साथ ही साथ इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरी चेयरमैनशिप में एक स्टडी ग्रुप बनाया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी चैलेंजेज हैं जम्मू कश्मीर के सामने, वो रिजॉल्व होने चाहिए। इस मौके पर पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर पूछे गए सवाल पर राजनाथ ने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत कहकर यूपीए पर चुटकी ली। एक कहावत है हम लोगों की तरफ, ऊंट के मुंह में जीरा, और मैं समझता हूँ कि 1.60 रुपये की यह कमी करना यह जनता की आंखों में धूल झोंकना है। सचमुच यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह गवर्नमेंट कमी लाना चाहती है तो उसे बिल्कुल यह कठोर फैसला करना चाहिए कि जो सेंट्रल टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पर लगे हैं उन सेंट्रल टैक्सेस को यह गवर्नमेंट विड्रॉ करे। और मैं कैलकुलेशंस के आधार पर कह सकता हूं कि यदि अपने सेंट्रल टैक्सेस को पेट्रोल और डीजल से यदि वापस ले लेती है तो पर लीटर पेट्रोल की कीमत 4550 रुपये के बीच रह जाएगी। गौरतलब है कि घाटी के हालात राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस बीच बीजेपी घाटी के हालात पर बनाए गए स्टडी ग्रुप का क्या असर दिखेगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इमरान शाह के साथ मर्जिया जाफर, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, श्रीनगर।